अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, आई फेस टू के दो सवाल ये थे मैंने। वो चूंकि यहाँ बैठी हुई अवाम जो कि और बहुत सारी अवाम के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, उन्होंने नहीं किया हुआ सवाल, तो कल से ही। IS-21 Page 3 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिस दिन रिकॉर्ड करनी है पहली दफा, तो किस एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करनी है, जो ट्रांजैक्शन डेट का रेट है। और ट्रांजैक्शन डेट से क्या मुराद है? रेलेवेंट आईएस के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन जिस दिन रिकॉर्ड होनी बनती थी उस दिन वाला रेट। और इसी में इफ्रिक 22 था एक, कि अगर पैसों के लेन देन में एडवांस आ गया तो फिर एडवांस वाली अमाउंट लेनी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के नतीजे में अगर कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट हो गया, जैसे डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एक्सपोर्ट की है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल्स तो इनकम नहीं, वो तो बस हो गई, ईयर एंड आ गया और डेटर अभी भी हमारा रिसीवेबल है, तो अगर $10,000 की चीज़ें बेची थी और जिस दिन सेल्स रिकॉर्ड की थी उस दिन ₹200 का डॉलर होने की वजह से $10,000 को रुपए में ट्रांसलेट किया था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता रहा हूं, मिसाल के तौर पे डेटर डेबिट किया था, सेल्स क्रेडिट की थी, $10,000 ₹200 पे कितने बन गए? 2 मिलियन। ईयर एंड आ गया, सेल्स तो बस सेल्स ही हो गई, डेटर बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा, तो हमारा डेटर यानी रिसीवेबल 2 मिलियन रुपए है या $10,000 है? लेकिन बुक्स में तुम 2 मिलियन रुपए लिख चुके हैं, तो असल में वो 2 मिलियन बुक्स में बेशक लिखा हुआ है लेकिन असल में रिसीवेबल 2 मिलियन रुपए नहीं है, $10,000 है। तो इस $10,000 को क्या दोबारा से हमने रुपये का रेट अपडेट करना है, नहीं करना है, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सिखा रहा हूं। इसी तरह से एक और मिसाल, मुख्तलिफ मुल्कों में भी ब्रांचेज ओपन की हुई हैं, इसी तरह से एक ब्रांच ऑफिस है, उस ब्रांच ऑफिस, ये ब्रांच ऑफिस है जी यूके में, इस ब्रांच ऑफिस में कुछ इन्वेंट्री खरीदी थी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और जब ये खरीदी थी उसको रुपए में किस दिन के रेट से ट्रांसलेट किया होगा? जिस दिन खरीदी थी उस दिन वाला रेट लगाया होगा। अब यही इन्वेंट्री, ये थी लेट से 500 स्टर्लिंग की, पाउंड की, और उस वक्त स्टर्लिंग था 300 का, तो इसको रिकॉर्ड उस दिन किया होगा 150। अब आ गया है ईयर एंड, तो ईयर एंड पे यही इन्वेंट्री अब भी मौजूद है, तो ईयर एंड पे 1.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री मौजूद है या 500 स्टर्लिंग की? 1.5 लाख रुपए की, हाँ जी 1.5 लाख की, 500 की नहीं रहे हो, चलें देते हैं जवाब। एक मिसाल और फिर तीनों का इकट्ठा जवाब देता हूं। यहां से पैसा कमाया और यूके में ना फ्लैट्स खरीद लिए, कुछ यूके में कुछ फ्लैट्स खरीद लिए, कुछ अपार्टमेंट्स खरीद लिए और वो अपार्टमेंट्स दे दिए किराए पे, है पाकिस्तानी कंपनी, इन्होंने यूके में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी हुई है। अब वो जो बिल्डिंग है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
फेयर वैल्यू मॉडल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती और हर साल के एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है यूके में। अच्छा, इन तीनों मिसालों में ना हम पाकिस्तानी कंपनी है, इसमें प्रॉपर्टी यूके में है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू मॉडल है, तो तरीका क्या होगा? हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू रुपए में निकलेगी कि स्टर्लिंग में निकलेगी? फेयर वैल्यू तो स्टर्लिंग में निकलेगी और हर साल के एंड पे अपडेट होती रहेगी, तो उसको भी फिर रुपए में लाना होगा, क्योंकि इन तीनों मिसालों के अंदर हम पाकिस्तानी कंपनी हैं और अल्टीमेटली हमारी बुक्स में इन सबकी रिकॉर्डिंग होनी रुपए में है। तो सवाल अब यह है कि क्या ईयर एंड पे ये डेटर्स 2 मिलियन आता रहेगा या $10,000 को फिर से रुपए में लाएंगे? ये इन्वेंट्री बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए आएगी या 500 स्टर्लिंग को फिर से रुपए में लाएंगे? और तीसरी चीज, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर से अपडेट करेंगे रुपए में या बस जिस दिन खरीदी थी उस दिन के रुपए वाला रेट लगेगा? ये तीन मिसालें लिखी हैं मैंने। ये है सारा कुछ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस के नतीजे में अगर एसेट्स लाइबिलिटीज बने, मैंने मिसालें वैसे सारी एसेट्स की दे दी हैं, लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, अगर एसेट्स लाइबिलिटीज बने और वो ईयर एंड पे मौजूद हैं तो क्या उन पे एक्सचेंज रेट अपडेट करना है या नहीं करना है? ये सवाल है। इसका जवाब है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, पेज तीसरा, चैप्टर का तीसरा पेज, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा पेज, चैप्टर का तीसरा पेज। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का एक टेबल बनाया हुआ मैंने, लेफ्ट कॉलम में ये तीनों कैटेगरीज हैं और राइट कॉलम में इनके सामने इनके जवाब है। ईयर एंड पे, अच्छा मैं सॉरी जल्दी बोल गया, पहले किताब खोल लें आप लोग, आइंदा ख्याल रखूंगा, किताब खोल लें आप। अच्छा ठीक ठीक है, जिसकी खुली हुई किताब ठीक है। पेज 3 चैप्टर 7, ये जो लेफ्ट कॉलम है ये तीन कैटेगरीज हैं और इनका जवाब जो है वो इनके सामने राइट कॉलम में है। तो पहली कैटेगरी है मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम चूंकि पैसे लेने देने होते हैं तो अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट इसको अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हमने पैसे लेने देने होंगे तो वो तो डॉलर में लेने देने होंगे, तो हमारी जेब से तब कितने रुपए आए जाएंगे वो तो तब के एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। चूंकि इस पे आखिरकार एक्सचेंज रेट का असर होता रहेगा, तो हम सारा का सारा असर एंड पे लेने की बजाय हर ईयर एंड पे अपडेट करते जाएंगे। तो मॉनेटरी आइटम्स का जवाब ये हुआ कि मॉनेटरी आइटम्स, अच्छा सारी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ वो एसेट्स लाइबिलिटीज जो फॉरेन करेंसी में पहचाने जाएं, जैसे $10,000 डेटर है तो मॉनेटरी आइटम्स को बैलेंस शीट बनाते हुए ईयर एंड के रेट पे रुपए में फिर से ट्रांसलेट किया जाएगा। इसको कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट के ऊपर अपडेट करना। क्यों अपडेट करना? क्योंकि अल्टीमेटली तो रुपए उतना ही जेब से जाने ना उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा, तो उस दिन अचानक जाके हमें ये पता चले कि डॉलर 300 का हो गया, तो इसलिए हर ईयर एंड के ऊपर अपडेट करते चलेंगे। तो इसलिए हर ईयर एंड पे मॉनेटरी आइटम्स को उस ईयर एंड के रेट पे अपडेट करना है। अब उसका जो डिफरेंस आएगा उसका जवाब अगले पेज पे है, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अपडेट करना है। इधर आते हैं, इस इन्वेंटरी की कॉस्ट क्या है? 500 स्टर्लिंग के 1.5 लाख रुपए। देखें ये एसेट हमने खरीदा ही स्टर्लिंग में था और पड़ा भी यूके ब्रांच में हुआ है, वहीं पड़ा हुआ, बेचेंगे भी तो स्टर्लिंग में बेचेंगे, तो ये हमें कॉस्ट तो 500 स्टर्लिंग ही किया हुआ है। अगर ये इन्वेंटरी हमारी बुक्स में ही रहे कुछ अर्सा और एनआरवी इसकी हायर ही हो, एनआरवी हायर ही हो, तो किस पे मैयर होता है इन्वेंट्री में? IS-2 में क्या पढ़ा है? लॉर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो अगर इन्वेंट्री है ये और ईयर एंड पे इसकी एनआरवी हायर ही है तो बैलेंस शीट में कॉस्ट पे रहनी चाहिए। वो फॉरेन करेंसी एसेट जो मॉनेटरी ना हो, यानी नॉन मॉनेटरी, और उसको हमने बैलेंस शीट में अपनी कॉस्ट पे ही रखना था। इन्वेंट्री है तो कॉस्ट पे रखना था, PPE है तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड पे रख, यानी कॉस्ट पे रखना था, कॉस्ट इस्तेमाल होनी थी उसमें। तो कॉस्ट चूंकि एक हिस्टोरिक चीज है तो इसलिए एक्सचेंज रेट को अपडेट नहीं करेंगे। दोबारा सुनिए, पहली कैटेगरी क्या है? मॉनेटरी आइटम्स, चाहे वो एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो। मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं? जिनमें पैसे, जिनमें कैश पेएबल पे या रिसीव होना है, तो उसमें चूंकि अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट ने अफेक्ट करना है तो ईयर एंड पे वो नए एक्सचेंज रेट पे अपडेट होगा। इसका डिफरेंस कहां जाएगा वो बताता हूं भी, अभी सिर्फ बात कर रहा हूं कि ट्रांसलेशन अपडेट करनी है कि नहीं करनी है। तो मॉनेटरी आइटम्स की करनी है और वो आइटम जो मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी, अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम हमारी बुक्स में कॉस्ट पे रहनी है, कॉस्ट या कॉस्ट मॉडल, और उसकी कॉस्ट फॉरेन करेंसी में निकली थी
तो चूंकि कॉस्ट एक हिस्टोरिक चीज है तो इसलिए इसका एक्सचेंज रेट अपडेट नहीं करना, ये दूसरी कैटेगरी है। पहली दोनों कैटेगरी देख लें। पेज थ्री पे हूं मैं और पेज थ्री का टेबल समझा रहा हूं कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो ईयर एंड पे हैं और वो फॉरेन करेंसी में पैदा हुए थे तो उन पे ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट अपडेट करना है कि नहीं करना, उसका जवाब दे रहा हूं। तो मॉनेटरी आइटम्स का करना है, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिनको कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो उनको एक्सचेंज रेट अपडेट नहीं करना। तीसरी कैटेगरी वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं जो मॉनेटरी नहीं होते, और मॉनेटरी क्या होते हैं जो नॉन मॉनेटरी नहीं होते। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, वो नॉन मॉनेटरी आइटम जो हमारी बुक्स में कॉस्ट के अलावा किसी वैल्यू पे आने हैं। अब वो अलावा वैल्यू क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो सकती है, इन्वेंट्री की एनआरवी हो सकती है, पीपीई की रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू हो सकती है, IAS 36 लगाएं तो रिकवरेबल अमाउंट हो सकती है। तो वो मॉनेटरी आइटम, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिन्होंने हमारी बैलेंस शीट में कॉस्ट के अलावा किसी वैल्यू पे आना है तो उसको रुपए में वो एक्सचेंज रेट लगा के लाएंगे जिस दिन की वो वैल्यू है। दोबारा इसमें रेट अपडेट क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉस्ट एक हिस्टोरिक चीज है तो कॉस्ट चूंकि चली आ रही है तो एक्सचेंज रेट भी पहले दिन वाला। तीसरी चीज मैं वो बता रहा हूं, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो बुक्स में कॉस्ट के अलावा किसी वैल्यू पे आ रहे होंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया, फेयर वैल्यू मॉडल हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू करना है आज तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो गई, ये भी नॉन मॉनेटरी एसेट है, फेयर वैल्यू भी शो हो रही होती है। तो बिजनेस के नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो कॉस्ट के अलावा किसी वैल्यू पे आ रहे होंगे उनको रुपए में लाने के लिए वो एक्सचेंज रेट लेंगे जो उस दिन था जिस दिन की वो वैल्यू निकाली जा रही है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, कब की फेयर वैल्यू होती है, ईयर एंड की, तो फिर एक्सचेंज रेट भी ईयर एंड वाला लेना है। रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है ईयर एंड 31 दिसंबर हो, लेकिन हमने बिल्डिंग को रीबिल्डिंग, अच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल कह रहा हूं, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लिखा मैंने, फेयर वैल्यू की मिसाल है लेकिन अब बोलने में मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कह रहा हूं। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और ईयर एंड 31 दिसंबर पे है, लेकिन अभी अभी 30 जून को दरमियान में कहीं रिवैल्यूएशन की थी तो 30 जून वाला एक्सचेंज रेट। अभी 31 अक्टूबर को एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है तो 31 अक्टूबर वाला रेट, इन्वेंट्री की एनआरवी अभी ईयर एंड पे निकाली है तो ईयर एंड वाला रेट। तो तीन कैटेगरीज हो गई, मॉनेटरी आइटम्स क्यों ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे अपडेट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर वो कॉस्ट बेस्ड हैं तो अपडेट नहीं करना, और अगर वो कॉस्ट के अलावा वैल्यूज बेस्ड हैं तो फिर कब अपडेट करना, जिस दिन की वैल्यूज है उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लेना। ये मैंने इस पेज थ्री वाले डब्बे में लिखा हुआ आपको बताया। हाँ जी हाँ जी, वरना वो कॉस्ट पे है तो वो 1.5 लाख ही है अगर एनआरवी पे आ गया, हाँ वो तीसरी कैटेगरी बन जाएगी। तो ये तीन कैटेगरीज हैं कि इनमें रुपए वाला रेट किस दिन का लेना है। अच्छा, अब इसी से अगला ताल्लुक जुड़ा हुआ कि अगर इस डेटर को अपडेट करना है तो डॉलर तो ईयर एंड पे चेंज हो गया होगा, 220 हो गया तो डेटर और बढ़ाना है कम करना है, 220 रुपए का हो गया डॉलर बढ़ाना है, डेटर और डेबिट तो सेल्स और क्रेडिट, नहीं सेल्स नहीं है। अब ये जो डेटर का बढ़ जाना है गेन या लॉस, डेटर बढ़ गया गेन है, ये गेन पीएनएल में जाएगा, एक्सचेंज गेन है, अगर कम हो जाता लॉस होता। इसी तरह डेटर की जगह पेएबल की मिसाल ले लेते हैं, क्रेडिटर है, एक्सचेंज रेट महंगा हो गया पेएबल और बढ़ाना है लॉस है, पेएबल और बढ़ गया लॉस है, पेएबल कम हो गया। तो मॉनेटरी आइटम्स की ईयर एंड पे भी और जब फाइनली इनको पे कर रहे होंगे तब भी एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। मॉनेटरी आइटम्स ईयर एंड पे भी अपडेट करने हैं और फाइनली जब सेटल होना है तो अपडेट तो नहीं करने, लेकिन तब भी तो रुपए पैसे जितने जेब से जा रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिर चेंज हो गया होगा। तो जो भी मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, चाहे वो ईयर एंड की अपडेशन की वजह से आए, चाहे वो पैसे लेते देते वक्त आए, वो एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। इनके ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस, दूसरी कैटेगरी पे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, उसमें एक्सचेंज रेट अपडेट ही नहीं कर रहे। और तीसरी कैटेगरी पे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, बिल्कुल आएगा, तो फिर इस एक्सचेंज गेन लॉस का क्या करेंगे, यानी खुद ना बनना है, कॉल ही करना, खुद बनो यार, खुद बनो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तीसरी कैटेगरी में एक्सचेंज गेन लॉस आएगा तो क्या देखना पड़ेगा,
हाँ तो वो तो हम PLR में सकते। तीसरी कैटेगरी है क्या? वो नॉन मॉनेटरी एसेट जो कॉस्ट के अलावा किसी और वैल्यू पे है। अच्छा, अब वो किसी ना किसी वैल्यू पे है, जैसे फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो गया, IS-16 IS-38 रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया, अभी आज पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फेयर वैल्यू अपना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फेयर वैल्यू थ्रू PNL होता है एक और एक फेयर वैल्यू थ्रू OCI होता है। तो जिस मॉनेटरी आइटम की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज कहां डालनी थी? अगर उसकी वैल्यू चेंज PNL में जानी थी तो एक्सचेंज गेन लॉस भी PNL में जाएगा, और अगर वैल्यू चेंज OCI में जानी थी तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में ही जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में डबल प्रैक्टिस क्वेश्चन टू पे आए। पहले मैं मॉनेटरी आइटम्स को फारिग कर लूँ ना, फिर करता हूँ उसके बाद मॉनेटरी आइटम्स वाली बात पूरी कर लूँ, फिर मैं ये आता हूँ जो मैंने अभी नमाज से पहले बात जहाँ छोड़ी थी, पहले मॉनेटरी आइटम्स को फारिग कर लें जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन टू इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस क्वेश्चन टू प्रैक्टिस क्वेश्चन टू पर सैसी नहीं बोल दिया, मतलब पढ़े हैं, मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, पढ़े ना सवाल पढ़े। हाँ जी, 21 दिसंबर को 40,000 यूनिट्स खरीदे हैं मटेरियल के $2 पर यूनिट का, और ईयर एंड है 31 दिसंबर। सारी एंट्रीज सबसे पहले 21, ये मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या टू इन्वेंटरी डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। 21 दिसंबर को हो रही है ये एंट्री क्योंकि गुड्स मटेरियल खरीदा ही तब है, तो रुपए कौन से वाले लें? 110, तो 110 $80,000 इंटू 110 40,000 यूनिट्स हैं, $2 का एक है, कितना 88.8 ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री बाद में बिकी कि नहीं बिकी मैंने नहीं लिखा, चलो नहीं बिकी, रॉ मटेरियल है इसका तो इस्तेमाल ही होना था, नहीं हुआ ईयर एंड तक इस्तेमाल, 31 दिसंबर तक इन्वेंट्री मौजूद है। अब इस एंट्री के नतीजे में एक इन्वेंट्री एसेट क्रिएट हो गया और एक पेबल क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ईयर एंड पे अगर ये सारा का सारा स्टॉक मौजूद है तो ईयर एंड पे अब हमने ये भी सोचना है कि इस इन्वेंट्री का क्या करना है और क्रेडिटर का क्या करना है। पहले इन्वेंट्री की बात करते हैं, कहीं पर इसकी कहीं NRV का जिक्र है? नहीं, तो मतलब कॉस्ट पे ही है। तो ईयर एंड पे आके इस इन्वेंट्री के ये ₹110 को अपडेट करें? नहीं, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है कि मॉनेटरी आइटम? नॉन मॉनेटरी आइटम है और कॉस्ट पे ही आ रहा है, तो बस ये इतने पे ही रहेगा, इसको अपडेट नहीं करना। क्रेडिटर्स मॉनेटरी आइटम है इसलिए ईयर एंड पे इसको हम अपडेट करेंगे। 31 दिसंबर 2018 डॉलर हो गया 110 से 114, ₹4 महंगा हो गया। अब ₹4 महंगा होने का मतलब है हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो लॉस हो गया। जस्ट PNL का वर्ड लिख दें वो भी ठीक है, एक्सचेंज लॉस का वर्ड लिख दें वो भी ठीक है। क्रेडिटर्स ₹4 और बढ़ गए, यानी जो $80,000 थे उन पे ₹4 का नुकसान हो गया, कितना? 320। ये हो गई मॉनेटरी आइटम की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और वो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कॉस्ट पे ही है उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
इसको अपडेट नहीं किया क्योंकि कॉस्ट पे है, मॉनेटरी आइटम को किया है अपडेट। आगे और क्या ट्रांजेक्शन है, 60% पे कर दिया 22 जनवरी को और 40% पे कर दिया 10 फरवरी को। तो अगली ट्रांजेक्शन 22 जनवरी, तो इस क्रेडिटर को फिर से अपडेट करें? नहीं करेंगे अपडेट है? हाँ हाँ, तो एक्सचेंज रेट पे अपडेट करूं? इन क्रेडिटर्स को अपडेट करूं? मॉनेटरी आइटम्स को अपडेट ईयर एंड पे करना है बस, सेटलमेंट पे अपडेट नहीं करना। ये वो कैश सेटल्ड नहीं है कि सेटलमेंट पे भी अपडेट करना है फिर वैल्यू पे, वो तो खत्म हो गया आईएफआरएस 2। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे अपडेट करना है बस, सेटलमेंट डेट पे अपडेट नहीं करना है। जब अपडेट ही नहीं करना तो फिर गेन लॉस क्यों आएगा? क्योंकि कैश डिफरेंट अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होगा। अब इस वक्त हमने क्रेडिटर को 114 रुपए पे लिख लिया हुआ है, 114, 110 था, 114 पे ले आए। अब ये क्रेडिटर हमारी बुक्स में 114 पे है, तो जब क्रेडिटर पे होगा तो क्रेडिटर डेबिट, लेकिन कितना डेबिट? $80,000 में से कितना दे रहे हैं? 60%। क्या बना? 8×48 48,000। $80,000 में से 60% पे कर रहे हैं, यानी 48,000 पे कर रहे हैं, और क्रेडिटर हमारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? 114 पे। तो बस जितने पे रिकॉर्डेड है उतने से ही डेबिट होगा, सेटलमेंट पे अपडेट नहीं करना। जो बुक्स में आखिरी बार रिकॉर्डेड है बस वही है। कितना? 5472000। लेकिन कैश कितने से? जितने हम उस दिन पे कर रहे थे, तो उस दिन था $1.120 का, तो कैश कितना जेब से जाएगा? अब है जो लॉस गेन, लॉस है, हाँ ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस आ गया 2888। और बिल्कुल इसी तरह से एक एंट्री 10 फरवरी को भी हो जाएगी। 10 फरवरी को पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर कितना डेबिट कर रहे हैं? $80,000 में से 48 गया, बाकी रह गया 32, और वो हमारी बुक्स में 114 पे है। क्रेडिटर तो 114 पे ही है, उसी पे डेबिट होगा 3648। और कैश कितना जेब से जा रहा है? $32,000 इंटू 125 4 मिलियन, तो बाकी 3,52,000 फिर से एक्सचेंज लॉस हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 में डेट देख लें, रेट देख लें, मॉनेटरी आइटम के साथ क्या किया, नॉन मॉनेटरी के साथ क्या किया, इनमें कोई एतराज परेशानी है तो बोलें। जी डन, कोई इतराज मुश्किल अगर अगर 31 दिसंबर को सेटल कर रहे होते तो, अगर ईयर एंड पे ही देखें, जब कोई चीज ईयर एंड पे अपडेट करने को कहा जाता है ना, तो उसका मतलब होगा ना अगर ईयर एंड पे वो क्लोजिंग बच जाए और अगली सुबह भी हो। अब अगर एक ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर पे हो रही है तो 31 दिसंबर पे तो पैसे देके खत्म कर देंगे उसको, वो क्रेडिट तो रहेगा ही नहीं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के तो 9 बजे नहीं आएगी। नहीं वो तो बात ठीक है कि सेम अमाउंट जाएगी, लेकिन मैं तो कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं कि उसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मौका ही नहीं मिला ना, ईयर एंड पे बेच दिया। अगर ये 60% ईयर एंड पे होती तो 40% अपडेट होता।
अगर ये जो पेमेंट हुई है ये 31 दिसंबर से पहले हो गई होती, ये वाली 22 जनवरी की बजाय 27 दिसंबर होती, तो जो बाकी रह गया होता फिर वो अपडेट होता। चलिए ये हो गई मॉनेटरी आइटम्स, अब आते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे। इनफैक्ट मॉनेटरी आइटम भी हो गई और वो नॉन मॉनेटरी भी हो गई जो कॉस्ट पे। अब बताता हूं वो नॉन मॉनेटरी जो कॉस्ट के अलावा किसी वैल्यू पे है। एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग हमारा अपना ब्रांच ऑफिस है, प्रॉपर्टी प्लानिंग डिपार्टमेंट। 1 जनवरी 2019 को खरीदी थी और कॉस्ट थी इसकी 200 मिलियन, चले 200 मिलियन डॉलर हुई, बहुत हो गया इसको, चलो खैर अपनी गेप कौन से जाने, 200 मिलियन डॉलर की बिल्डिंग थी, 200 मिलियन डॉलर की बिल्डिंग थी और लाइफ थी इसकी 20 साल। इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे एग्री कर लिया कि इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना। ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2019 और इसकी फेयर वैल्यू थी उस दिन 194। एक्सचेंज रेट January 2019 को $1.150 का था और 31 दिसंबर 2019 को $1.170। नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट पे हो वो भी हो गया डिस्कस और मॉनेटरी आइटम ये भी हो गया डिस्कस। अब मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं नॉन मॉनेटरी आइटम जो कॉस्ट के अलावा है। एक मिसाल मैंने दी है बिल्डिंग पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल पे। फर्स्ट जनवरी 19 पे इस एसेट की कॉस्ट थी 200 और 31 दिसंबर 19 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी 10, बाकी रह गई 190। इसी दिन फेयर वैल्यू हो गई 194, तो 4 मिलियन का आ गया रिवैल्यूएशन गेन। पहली रिवैल्यूएशन है और रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई है तो सरप्लस में जाना चाहिए, ठीक है सरप्लस में ले जाएंगे। ये मैंने दो मिसालें हैं, साथ पैरेलल चलाएंगे। पहले इसकी बात करता हूं, बिल्डिंग खरीदी थी, ब्रांच ऑफिस था, IS 16 पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना था, ये उसका डाटा है। पहले दिन बिल्डिंग कितने से रिकॉर्ड की होगी, पहले दिन यानी 1 जनवरी 2019 को बिल्डिंग डेबिट की होगी और कैश क्रेडिट किया होगा 200 मिलियन लेकिन $1 150 का जी 30,000 मिलियन दादा हो गया ना, कोई बात नहीं, हमारे प्रोफेशन का ही तो कमाल है कि इतने बिलियंस हमारे हाथों से गुजरते हैं ऐसे। अब तो सवालों में मिलियन से कम तो कोई सवाल ही नहीं होता। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर 2019 में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी जी,
10 मिलियन को रुपए में लाऊं या इसको 20 पे डिवाइड कर दूं? हाँ जी, 10 मिलियन को मैं रुपीज में लाऊं ईयर एंड का एक्सचेंज रेट लगा के, या इस 30,000 को 20 पे डिवाइड कर दो? ये कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो रही है 10 मिलियन? नहीं, तो या तो कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो रही होती, फिर तो हम 31 दिसंबर की रिडेम्पशन की एंट्री में 31 दिसंबर वाला रेट, ये कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रही, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड एसेट, ऑलरेडी रुपी में रिकॉर्डेड एसेट, बस डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 30,000 को 20 पे डिवाइड करें, क्या बना है? 30,000 को 20 पे डिवाइड करें 1500, 30 बिलियन डिवाइडेड बाय 20। अब आते हैं 31 दिसंबर 2019 पे, 194 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू हो गई। अगर मैं आपको पैरेलल ही साथ रुपीज भी बना दूं, रुपीज बिलियन, तो ये हो गया 30, क्या हो गया 30 बिलियन, डेप्रिसिएशन बन गई 1.5, 28.5, इसको 170 पे ट्रांसलेट करें 170 ना, क्योंकि ईयर एंड का रेट है तो 170 पे कितना 32.98, कितना गेन आ गया, कितना गेन आ गया 4.48 बिलियन का गेन आ गया। अब मेरा सवाल यह है कि जो 4.48 बिलियन का गेन है रुपीज में, ये फेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से है कि एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से? ये दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि ये 150 रुपए पे रिकॉर्डेड है, ये हमने किस पे ट्रांसलेट किया हुआ है 150 पे ना, और ये 170 पे, तो इनमें फर्क एक्सचेंज रेट की वजह से भी है। ये 190 था, ये 194 है, तो $4 मिलियन का जो फेयर वैल्यू चेंज है वो भी इसके अंदर इफेक्ट शामिल है। तो इस 4.48 बिलियन के गेन के अंदर एक्सचेंज गेन भी है, फेयर वैल्यू गेन भी है। कितना फेयर वैल्यू गेन और कितना एक्सचेंज गेन? नहीं, डेप्शन हो गई, 28 की बात करते हैं, एक्सचेंज गेन कितना और फेयर वैल्यू गेन कितना, कैसे निकालें? वन रेट सेम करके क्या करें? हाँ, अगर एक्सचेंज रेट 150 ही रहता, अगर एक्सचेंज रेट 150 ही रहता तो 194 मिलियन कितना हो जाता? अगर रेट 170 नहीं 150 ही रहता तो $194 मिलियन कितने बिलियन रुपए बनता? 20.9। ये जो डिफरेंस है, यानी 0.6, ये सिर्फ फेयर वैल्यू की वजह से। अगर एक्सचेंज रेट चेंज ना होता तो आज भी 150 ही होता ना, तो इसको भी 150 पे कर ले, तो ये 28.5 से 29 पे जा रहा है, सिर्फ ये है फेयर वैल्यू की वजह से, बाकी तकरीबन 4.25 एक्सचेंज रेट की वजह से। लेकिन उम्मत को इस मुश्किल में डालने से बचाने के लिए IAS 21 ने कहा कि फेयर वैल्यू का जो गेन आया है वो कहां लेके जा रहे थे भाई, तो ऐसा करो एक्सचेंज गेन भी वहीं ले जाओ। उस एसेट पे अपने आईएस के मुताबिक जो इस फेयर वैल्यू की डिफरेंस की अकाउंटिंग करनी थी, अगर वो ओसीआई में जाना था तो जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो भी ओसीआई में ले जाओ। इस टोटल 4.48 बिलियन के गेन में एक्सचेंज का फर्क और फेयर वैल्यू दोनों फर्क है ना, तो उसको तोड़ने की बजाय सारा का सारा ही ओसीआई में ले जाते, क्योंकि जब इसमें शामिल एक्सचेंज गेन फेयर वैल्यू गेन भी ओसीआई में जाना है, एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में जाना है, तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर एग्जाम में क्या करना है वो भी बताता हूं, पहले मैं रूल बता रहा हूं कि रूल ये है कि जिन एसेट्स पे फेयर वैल्यू अपडेशन करनी होती है, वो जो फेयर वैल्यू अपडेशन वाला अपने आईएस के तहत गेन लॉस आना है, अगर वो ओसीआई में जाना है तो जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो भी ओसीआई में ले जाए। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही बता देता हूं। IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाना था? P&L में, तो $2 मिलियन तो फेयर वैल्यू का चेंज आ गया, लेकिन एक्सचेंज रेट का भी फर्क पड़ेगा, तो वो जो एक्सचेंज गेन आएगा वो भी P&L में ले जाएंगे। क्यों P&L में ले जाएंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हैं, जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आना था IAS 40 के मुताबिक कहां जाना था?
तो फिर उसके ऊपर जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो भी पीएनएल में ले जाए। रूल ये है। अब एग्जाम में करना कैसे और एग्जाम क्या प्रैक्टिकली भी कैसे करना है वो इसका आसान हल एक है। अभी मैंने सिर्फ रूल बताया है, ये रूल है। करना कैसे है इतनी टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है, करने वाला काम और आसान है। उसमें ये रूल ऑटोमेटिकली लग रहा होगा। रूल फिर बता रहा हूं, रूल ये है कि जब हमने किसी भी नॉन मॉनेटरी आइटम को कॉस्ट के अलावा किसी और वैल्यू पे अपडेट करना है, मिसाल IS 16 IS 38 रिवेल्यूशन मॉडल पे जाना है, IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, IFRS 5 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपडेट करना है, IFRS 9 फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, IS 36 रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है। तो जब भी किसी नॉन मॉनेटरी आइटम को फेयर वैल्यू टाइप किसी और वैल्यू पे अपडेट करना होगा तो उसके ऊपर भी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। तो रूल ये है कि अगर उनके अपने अपने IS वाला फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाना था तो एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा, और अगर उनके अपने अपने IS वाला फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाना था, अच्छा OCI पहले भी शायद जिक्र किया किसी IS में, OCI क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, SOCI में सेल से लेके पैट तक ये सब एक्सपेंसेस इनकम्स होते हैं, ये सब P&L है, और ये वाली फिगर SOFP में रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे गेन्स और लॉसेस फॉर द ईयर जो होते गेन और लॉस फॉर द ईयर हैं, लेकिन उनको बस यही वो कोई मेहमान होंगे जिनमें से कुछ घर के अंदर चले जाएंगे, कुछ है ना बाहर गाड़ी में बैठेंगे या बाहर ही खड़े होंगे, तो इस वो गेन और लॉस जिनको P&L में जाना मना है गेन लॉस, उनके लिए जगह बनाई गई, अलग कमरा बनाया गया, उसको कहते हैं OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पर वो प्रेजेंट होते हैं और है ये गेन लॉस फॉर द ईयर, तो इन्होंने भी बैलेंस शीट में जाके किसी ना किसी इक्विटी की लाइन आइटम में गिरना होगा, तो इनके अपने अपने कहीं ना कहीं रिजर्व होते हैं। जैसे रिवेल्यूशन मॉडल वाला जो गेन लॉस आ रहा है वो रिवेल्यूशन सरप्लस नामी अकाउंट में जाएगा, IFRS 9 में पढ़ाऊंगा फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा होता है वो फेयर वैल्यू रिजर्व नामी अकाउंट में जा रहा होता है। तो ये होती है OCI आइटम। अच्छा बात यहां से चल रही थी कि वो नॉन मॉनेटरी आइटम जिनको हमने अपडेट करना है और उनका फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाना है तो उनका एक्सचेंज गेन लॉस OCI में जाएगा। वो नॉन मॉनेटरी आइटम जिनको अपडेट करना है और उनका गेन लॉस P&L में जाना है, जाग रहे हैं, और उनका एक्सचेंज गेन लॉस भी, ये है रूल। पेज नंबर आखिरी पे, पेज नंबर आखिरी चैप्टर का पेज नंबर आखिरी, चौथा होगा पांचवा होगा पता नहीं, चौथा। पहले रूल पढ़ लें फिर बताता हूं कि करना कैसे। मॉनेटरी आइटम्स वाला सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे भी और सेटलमेंट पे भी ये जाना ही P&L में है, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो कि कॉस्ट के अलावा किसी और पे वैल्यू हो रहे हैं अगर उनका रिस्पेक्टिव गेन लॉस OCI में जाया करता है तो उनका एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा, और अगर P&L में जाया करता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा। यह है रूल। अब करना क्या है, करना यह है कि इन नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे इनका स्टैंडर्ड बाद में लगना है, पहले IS 21 के तहत इनको रुपए में ले आए सही। दोबारा सुने, हम जिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स की बात कर रहे हैं ना, मिसाल इन्वेंट्री अगर NRV पे लानी है तो, और PPE अगर रिवेल्यूशन मॉडल पे लानी है तो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे लानी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फेयर वैल्यू पे लाने, तो इन आइटम्स पे इनका अपना अपना IS लगाना ही रुपए में है, करने वाला काम ये, रूल वो है। लेकिन उसको करना कैसे है, करना ऐसे है कि इन आइटम्स की फॉरेन करेंसी को पहले IS 21 के तहत रुपए में ले आए, कैसे, जिस दिन की वैल्यू है उस दिन वाला एक्सचेंज रेट, जब वो रुपए में आ जाए फिर उस पर अपना अपना IS लगा दें। जैसे अभी इस वक्त मैंने नीली नीली फिगर जो लिखी हुई है ये डॉलर में, इसको रुपए में, ये 30 कैसे बनाया, पहले दिन वाला रेट, फिर इस पे रिवेल्यूशन की, इसको 32 पे कैसे लेके गए, 170 क्यों, ईयर एंड वाला रेट, ईयर एंड वाला रेट जिस दिन की है 194 है। एक बार रुपए में ले आए फिर देखें कि क्या करना है गेन लॉस के साथ। एक बार जब रुपए में आ गए तो इन रुपए में लाने के बाद नजर आ रहा है कि 4.48 का गेन है, ये इसमें जो मर्जी है, चाहे वो फेयर वैल्यू चेंज है, चाहे एक्सचेंज रेट, जो मर्जी हो, हमने पहले IS 21 का रूल लगा के इन आइटम्स को रुपए में लाने, एक बार रुपए में आ जाए फिर इनका रिस्पेक्टिव IS लगा देना, ये है करने वाला काम।
इसमें क्या ऑटोमेटिकली रूल छुपा हुआ है, जो रूल बताया करना क्या है, करना यह है कि इन आइटम्स को पहले आप IAS 21 लगा के एक बार रुपए में ले आए। कैसे ले आए रुपए में? किस दिन वाला एक्सचेंज रेट, जिस दिन की वैल्यू है, एक बार रुपए में ले आए। अब उन रुपी फिगर्स के ऊपर अपना अपना IAS लगाना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 जबानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 दोनों कैलकुलेट किसी ने करना है तो अच्छी बात है कर ले, नहीं तो खैर है अगर जबानी भी देख लें सोल्यूशन तो, लेकिन देख जरूर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। बिल्डिंग डेबिट 4.48 की एंट्री होगी, बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। नहीं, वो अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस है, प्रेजेंट वो OCI में होगा। अकाउंट का नाम हम वो यूज करते हैं जिसको अल्टीमेटली रखना है, लेकिन वो प्रेजेंट कहां होगा फॉर द ईयर गेन, वो OCI में प्रेजेंट होगा।
करनी चाहिए, इस सवाल में पूछ रहे हैं वैसे ही डिपेंड करता है कि एंट्रीज कौन सी मांगी है। बस कहा है रिवैल्यूएशन करने की एंट्री करने, तो फिर सरप्लस ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 कहा था पढ़ने को। रिवर्स कर रहा नहीं, ठीक है एलिमिनेट करते हैं। हाँ हाँ, 4 में कहाँ किया इसको? नहीं तो SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट मांगे हैं बस, मैंने एंट्रीज तो नहीं मांगी। वो मैंने वर्किंग चलाई बुक वैली पे हुई है ना, मैंने वो वर्किंग ही बुक वैली पे चलाई है। अगर एंट्रीज मांगी होती तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। मैंने वर्किंग की है और वर्किंग है ही एसेट की बुक वैल्यू पे, तो एलिमिनेशन कहाँ दिखानी थी? प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। जब ये बाकी लोग भी सुने और बाकी टॉपिक्स के लिए भी याद रखें, आपको ना CFA 1 में अक्सर सवाल इस तरह का टेस्ट होगा कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP SOCI मांगा होगा। जो कल भी मैंने June 22 वाला सवाल कराया था तो उसमें एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP SOCI मांगे हुए थे, कैश और रिटेन अर्निंग्स। उनमें इनके बैलेंसेज नहीं दिखा रहे होते, जैसे इस सवाल के अंदर ये बिल्डिंग खरीदी थी कभी ना कभी, कभी तो खरीदी होगी तो कैश क्रेडिट भी हुआ होगा, तो कैश का बैलेंस क्यों नहीं दिखाया बैलेंस शीट में? क्योंकि वो तो बस एक पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, पता नहीं बैलेंस कितना है। इसी तरह से रिटेन अर्निंग्स में आपको बस एक दो अमाउंट्स पता है, रिटेन अर्निंग्स का तो बैलेंस नहीं पता। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI और SOCI उसमें प्रॉफिट निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी आइटम्स तो है ही नहीं, हमें तो सिर्फ वो पता है जो सवाल में है। और इसी तरह SOFP के एक्सट्रैक्ट बनाते हुए कैश और रिटेन अर्निंग्स, इनका भी बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं, पता ही नहीं कितना है। तो इसलिए कैश और रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं दिखा रहे होते। हाँ भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। चलें फिर एक सवाल आप देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, ये कल वाली बात की प्रैक्टिस आ जाएगी इसमें। IFRIC 22 जो बताया था, पढ़िए मैं करता हूँ बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देखिए मैं करता हूँ। जी जी हाँ, PO इंटरनल मैटर होता है। इंटरनल मैटर से क्या मना? PO क्या होता है? किसको देते हैं? तो वेंडर को पता ही है ना फिर क्या मिल रहा है उसको। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि परचेज ऑर्डर के टाइम पे एंट्री कोई नहीं होती। हाँ ठीक है, नहीं होती, लेकिन आप एडवांस जा रहा है तो एडवांस की एंट्री होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें। 1 सितंबर 2018 को एक प्लांट खरीदने के लिए जिसकी टोटल अमाउंट $1,20,000 तय हुई, परचेज ऑर्डर इशू किया और 20% एडवांस भी पकड़ा दिया। तो 1 सितंबर है, सितंबर है यार, फुल स्टॉप लग गया। 20% एडवांस वॉज पेड अलॉन्ग विद परचेज ऑर्डर फुल स्टॉप। तो 1 सितंबर को एडवांस टू सप्लायर डेबिट, 1 सितंबर 2018 एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने पैसे दिए? $120,000 का 20%, यानी $24,000 दिए। और उस वक्त $1 कितने का था? 110 का, कितना? 2640000। फिर उसके बाद प्लांट पहुंच गया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को प्लांट पहुंच गया, इंस्टॉल हो गया, तो 1 अक्टूबर को प्लांट डेबिट हो जाएगा। प्लांट टोटल कितने रुपए का है, कितने डॉलर्स का है?
अगर एडवांस ना दिया होता तो हम प्लांट को $120,000 इनटू फर्स्ट अक्टूबर वाला रेट लगा दे, क्योंकि रिकग्निशन के लिए इनिशियल मेजरमेंट है कि जिस दिन उस एसेट का रिकॉर्ड होना बनता था उस दिन वाला रेट। तो अगर एडवांस ना होता यकीनन हम $120,000 इनटू 120 करते, लेकिन एडवांस आ गया तो इफ्रिक 22। अब प्लांट अभी फिलहाल डेबिट नहीं करना, पहले बाकी चीजें पूरी कर लेते हैं। प्लांट पहुंच गया तो एडवांस क्रेडिट, और एडवांस उतना ही क्रेडिट जितना दिया था 26400000। और क्या क्या क्रेडिट उसी वक्त 30% पे कर दिया कैश क्रेडिट। अच्छा, $120,000 में से 30% पे कर दिया यानी 36, उस वक्त कितने रुपए 120,43200000, और बाकी पेएबल बन गया एक 20 में से 20% और ये 50% रह गया $60,000। अच्छा, अब ये पेएबल तो आज ही रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो किस दिन वाला रेट? इसी दिन वाला रेट 120 70। चूंकि एडवांस आ गया था इसलिए प्लांट $120,000 इनटू 120 नहीं होगा, ये इफ्रिक 22 है। तो एडवांस वाली अमाउंट 110 वाली, बाकी ये दोनों 120 वाले। इन अदर वर्ड्स इनको सम कर दें 141600000, ये इफ्रिक 22। ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। हाँ जी, एक तो प्लांट को डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 141600 10 साल 3/12 कितना 354,000। और ईयर एंड पे और क्या करें? पेएबल मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, प्लांट नॉन मॉनेटरी आइटम है और कहीं रिवेल्यूशन मॉडल की बात नहीं है, तो इस प्लांट को अपडेट करना है नहीं करना, पेएबल मॉनेटरी आइटम है इसको करना है अपडेट। तो पेएबल यानी $60,000 120 पे रिकॉर्डेड है, 31 दिसंबर पे डॉलर कितने का हो गया? तो 10 रुपए महंगा हो गया, लॉस हो गया, एक्सचेंज लॉस और पेएबल क्रेडिट। तो ये $60,000 10 रुपए का हो गया नुकसान, 6,00,000। ईयर एंड पे मॉनेटरी आइटम अपडेट हो गया। और लास्ट कब? 28 फरवरी को पेएबल डेबिट। पेएबल कितने से डेबिट? पेएबल हमने उसको 130 कर लिया हुआ है, हमने इसको 130 कर लिया हुआ है, 120 था, 10 और बढ़ा लिया था 7। लेकिन जो कैश जेब से जा रहा है वो जा रहा है 140 84000000। तो इस पे हो गया हमें मजीद नुकसान 6,00,000। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जबानी जबानी देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जबानी जबानी देख लें। डिस्कशन 7
सोच लेने का, देख लें, देखेंगे तो देखेंगे। है? इससे आसान आईएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़ा आसान है। आईएस 21 में ये जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन बता रहा था ये खत्म, और ऐसी नॉलेज के लिए है अगर पढ़ना चाहें तो, वरना ना भी पढ़े तो खैर है। पेज 3 के ऊपर ये टेबल के नीचे जो अंग्रेजी लिखी हुई है ये पढ़ के देख ले समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो खैर है। चैप्टर में पेज 3 टेबल के नीचे जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो सिर्फ एक ऐसी बात समझाई हुई है जो मैंने भी कहा था ना कि हम करेंगे क्या, पहले आईएस 21 लगा के फेयर वैल्यूज को रुपए में ले आएंगे फिर रेलिवेंट आईएस लगाएंगे, बस यही बात समझाई हुई है, पढ़ के देख लें अगर पढ़ना चाहें तो। चलें ठीक है, लेक्चर 29 बस, अब लेक्चर 30 लगा दो।